सीरियल पोरस में पुरु लेगा राजा बमनी की मदद ताकि वो अलेक्जेंडर जैसे दुश्मनों को भारत से बाहर निकाल सके। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का शो पोरस के आने वाले एपिसोड में ऑडियंस को देखने को मिलेगा मसालेदार ट्विस्ट एंड ड्रामा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि शो में पुरु अलेक्जेंडर के सामने खड़ा कर देता है एक बड़ी मुसीबत, उसे मारने से कर देता है इनकार। इसके लिए पुरु कहता है कि उसने कसम खाई थी अपने दुश्मनों को मारने की अगर वो उसकी जमीन पर गलत इरादे से आए हैं। लेकिन आज अलेक्जेंडर पोरोरास में एक मेहमान की तरह आया है और एक राजा होने के नाते वो अपने मेहमान को मार नहीं सकता। उसके गुरु आचार्य ने उसे कभी भी दुश्मन पर पीछे से वॉर करना नहीं सिखाया है। अनुसुईया और बमनी पुरु के इस फैसले से खुश होते हैं और उस पर और भी ज्यादा गर्व करते हैं। लाची भी खुशी से पुरु की ये बात को मान लेती है। उसके बाद राजा आम्बिसर कहते हैं कि वो एक दस्युओं को कैसे अपना राजा मान ले जो भारत को बचा सकता है। पुरु राजा आम्बिसर की बात से सहमत होता है और जवाब में कहता है कि उसी ने डॉरिस को दस्यु लोक से निकाला था और अब जब पूरा भारत अलेक्जेंडर के खतरे में है तब वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो राजा आम्बिसर और बाकी राजाओं की मदद मांगता है। राजा आम्बिसर उसकी बात मान लेते हैं और करते हैं फैसला उसके साथ देने का। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पुरु ने अलेक्जेंडर को एक बार फिर छोड़कर कर दी है बहुत बड़ी गलती, क्या अचानक पुरु के इस फैसले से हो जाएंगे खिलाफ, क्या पुरु राजा आम्बिसर और बाकी राजाओं की मदद से अलेक्जेंडर को हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। सीरियल पोरस में पुरु लेगा राजा बमनी की मदद ताकि वो अलेक्जेंडर जैसे दुश्मनों को भारत से बाहर निकाल सके। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का शो पोरस के आने वाले एपिसोड में ऑडियंस को देखने को मिलेगा मसालेदार ट्विस्ट एंड ड्रामा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि शो में पुरु अलेक्जेंडर के सामने खड़ा कर देता है एक बड़ी मुसीबत, उसे मारने से कर देता है इनकार। इसके लिए पुरु कहता है कि उसने कसम खाई थी अपने दुश्मनों को मारने की अगर वो उसकी जमीन पर गलत इरादे से आए हैं। लेकिन आज अलेक्जेंडर पोरोरास में एक मेहमान की तरह आया है और एक राजा होने के नाते वो अपने मेहमान को मार नहीं सकता। उसके गुरु आचार्य ने उसे कभी भी दुश्मन पर पीछे से वॉर करना नहीं सिखाया है। अनुसुईया और बमनी पुरु के इस फैसले से खुश होते हैं और उस पर और भी ज्यादा गर्व करते हैं। लाची भी खुशी से पुरु की ये बात को मान लेती है। उसके बाद राजा आम्बिसर कहते हैं कि वो एक दस्युओं को कैसे अपना राजा मान ले जो भारत को बचा सकता है। पुरु राजा आम्बिसर की बात से सहमत होता है और जवाब में कहता है कि उसी ने डॉरिस को दस्यु लोक से निकाला था और अब जब पूरा भारत अलेक्जेंडर के खतरे में है तब वो ये काम अकेले नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो राजा आम्बिसर और बाकी राजाओं की मदद मांगता है। राजा आम्बिसर उसकी बात मान लेते हैं और करते हैं फैसला उसके साथ देने का। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या पुरु ने अलेक्जेंडर को एक बार फिर छोड़कर कर दी है बहुत बड़ी गलती, क्या अचानक पुरु के फैसले से हो जाएंगे खिलाफ, क्या पुरु राजा आम्बिसर और बाकी राजाओं की मदद से अलेक्जेंडर को हमेशा के लिए निकाल फेंकेगा। पहले शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब।